फेसबुक लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे टीम इंडिया पे बादल के संकट क्यों मंडरा रहे हैं और थर्ड टेस्ट मैच से पहले क्या है गॉसिप, क्या है इनसाइडर स्टोरी, इंद्रनील जी बताएंगे आपको। मगर बहुत दुविधा में टीम इंडिया और क्या हो गया सर, जैसे जिस तरीके का माहौल हम देख रहे हैं, जिस तरीके का चीजें हो रही है, स्पेशली विराट कोहली नहीं है। हाँ सर, वो तो पूरे टूर्नामेंट छवि पूरा बदल गया है। और विराट नहीं है, चार नंबर पे आपका आपने श्रेयस को भेज दिया ना, उसको गार्ड किया गया, खिलाते तो और ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, इसलिए बोला तू रुक जा थोड़ा देर के लिए। हाँ, और बच्चा हमारा कौन, बच्चा हमारा एक केएल राहुल, वो भी इंजर्ड थे। हाँ, आज अभी तो आ गया मेडिकल टीम से कि नहीं खेल पाएंगे, नहीं खेल पाएंगे। तो आपका केएल राहुल, जडेजा का भी पता नहीं, जडेजा भी शायद होपफुली ठीक हो जाएंगे। फिर सर तीन नंबर चार नंबर का मामला फंसेगा तो कौन बैटिंग करेगा फिर आपके सामने है, इसलिए विराट कोहली को शायद पहले ही बता देना चाहिए था कि हम पूरा सीरीज में अवेलेबल नहीं है। एटलीस्ट पुजारा रहाणे टाइप बैट्समैन को ले आते, उनके भी भाग्य उदय हो जाते। हाँ, मत ऐसा ऐसे थोड़ी होता है यार, आई मीन यू हैव टू हैव। तो सर आपके हिसाब से कौन खिलाड़ी सरफराज को मौका मिलेगा? अब मौका मिलना अब है, अभी पूरा खाली है मैदान, तो खिलाना पड़ेगा आपको। रिपोर्ट्स ये भी आ रहा है कि शायद ध्रुव जुरेल को खिलाएंगे, तो बहुत सारे चेंजेस। वो भी कमाल का प्लेयर है, आप तो उनके बारे में थोड़ा बताया आप। नहीं, ध्रुव जुरेल ऑफकोर्स कमाल का है क्योंकि मेरा नेबर है, ग्रेटर नोएडा में, आगरा से है और अच्छा बैटिंग करते हैं। ये मैं नादर जी आयरन लेफ्ट सेशन में थे एसजी फैक्ट्री में, मजा आ गया था उससे मिलके। बट सबसे भारत का बैटिंग नहीं हो रहा, केएस भारत उसकी जगह शायद। हाँ, विकेट कीपर एक भारतीय टीम के लिए चिंता का विषय है। कीपिंग अच्छा कर रहा है तो रन भी तो बनाने पड़ेंगे सर। वही धोनी और ऋषभ के बाद मुझे नहीं लगता कोई ऐसा। तो आपके पास तजुर्बा अगर है, तजुर्बेकार अगर कोई हो सकता है, लाइव है लोग। जी जी बिल्कुल, अभी तो जुड़ रहे हैं सर, धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। तो आई थिंक जितना हम सोच रहे हैं, जितना हम सोच रहे हैं कि शायद कितना आप लगभग अनुमान, विराट नहीं है, रोहित है, रोहित इज द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर इन दिस लाइन अप। रोहित तो बल्ला भी तो नहीं चल रहा है सर। अब एज ए कप्तान, एक लीडर, जब टीम को लीड करते हैं, जब वो परफॉर्म करते हैं तो टीम पे उसको फर्क पड़ता है। मुद्दा ये है, मुद्दा वो लाइव का लाइव तो हाँ आ रहे हैं। तो मैं ये हाँ, तो ये मुद्दा ये कि हम कल भी हारे अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल, तो बड़ा दुख हो गया। दुख की बात नहीं है, बट ये है कि हमारा सोच है वो गलत है। जैसे मैं आपको छोटा 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 एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हम बोलते हैं बैसबॉल है क्या? बैसबॉल पूरा टीम का एक कॉन्सेप्ट है। बैसबॉल इज नॉट अबाउट हिटिंग फोर्स एंड सिक्सेस, एक बॉलर के लिए बैसबॉल है। बैसबॉल एक कॉन्सेप्ट है, एक एटीट्यूड है। बैसबॉल टेल्स यू टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। बैसबॉल, हाँ बैसबॉल का ही कौन, बैसबॉल ऐसे नहीं बैट घुमाया, क्योंकि कप्तान जो बैसबॉल का है वो, उनका नाम है बेन स्टोक्स। वो जाके क्या करते हैं, वो जाके टाइम लेता है ना, पहले की घुमाना चालू थोड़ी करते हैं, थोड़ा टाइम लेके देख के फिर घुमाते हैं। तो बैसबॉल इज अबाउट पुटिंग अ बेस्ट फुट फॉरवर्ड। तो हम जब बात करते हैं इंडियन क्रिकेट का, हम बात करते हैं बूम बॉल, बुमराह ने अच्छा डाला बूम बॉल, जसप्रीत बुमराह ने अच्छा बॉलिंग किया, बैटिंग किया, हाँ बूम बॉल बन गया, जयसवाल ने अच्छा बैटिंग किया बन गया जैस बॉल। तो हम इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल स्टार वर्शिप, उसमें हम अटक गए हैं, उससे हम निकल नहीं पा रहे। तो इसी कारण हम जीत भी नहीं पा रहे और हम जीतेंगे भी नहीं। 84 दिन में दूसरी बार सर वर्ल्ड कप हारे। नहीं, 84 हो, बहुत साल लग जाएंगे नेक्स्ट वर्ल्ड कप जीतने में। सोच है कि हम एज अ टीम खेलना पड़ेगा। बिल्कुल सर, तो ये आप इंडिविजुअल अपने लिए नहीं। हाँ, तो इंडिविजुअल अप्रोच के साथ अगर जाओगे तो शायद ये आपको कहीं नहीं, कुछ आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और यही चीज लगातार बार बार हो रही है, विराट कोहली जिताएगा ये कर। विराट कोहली इंडिविजुअल कैन नेवर विन योर गेम, इंडिविजुअल कैन विन योर मैच बट नॉट अ टूर्नामेंट। बार बार यही चीज, हम एक ही चीज में फंस रहे हैं। हमें ये थिंक एज अ टीम, हम जब मोहल्ले में खेलते थे क्या सारे प्लेयर अच्छे होते थे? नहीं, लेकिन टीम का बड़ा खिलाते थे ना। बिल्कुल,
तो हमें हमारा प्रॉब्लम है कि हमें सारे कोई फील्डिंग अच्छी करेगा, कोई अच्छी बॉटिंग बैटिंग करेगा, लक सबका एक जैसा एक दिन नहीं रहेगा। तो ये थोड़े तो आपको ये इंडिविजुअल जो गेम है ना, तूने 100 नहीं बनाया, तेरा 100 मिस हो गया, तू 100 बना ले तेरा जगह पक्का है, ये सोच से आपको निकलना पड़ेगा। अब जब तक ये नहीं निकाल अपने आप को निकाल नहीं पाओगे, तब आपका टीम नहीं बनेगा, जब तक टीम नहीं बनेगा। और ये चीज आज चलिए मैं सर फाइनल मैच आप देख लीजिए कितने कम खिलाड़ी, हमारा इतना खिलाड़ी ट्रैफिक जाम लग गया। सर मैक्सवेल जब 200 सेंचुरी बनाई थी अफगानिस्तान के खिलाफ, देखिए उस मैच का क्या था, नहीं वही है कि कंफ्यूजन कम था, कम लोग थे। तो हमारा इंडियन टीम का ये शायद एक बहुत बड़ी मुद्दा है कि हम सोच नहीं पा रहे कि हम जीते कैसे। अब जीते कैसे, टीम ही नहीं बन रहा है आपका, एक ही सोच के साथ जा रहे लगातार कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, हम हमारे पास विराट कोहली है, हमारे पास ये है वो है। पर ये नया जो दौड़ है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, हार्दिक पांड्या को बहुत लोग पसंद नहीं करते, तो लास्ट 2-3 सालों में हमने ना दो तीन एक लास्ट 6-7 महीने में एक्चुअली हमने देखा कई बार हार्दिक पांड्या ने एक प्लेयर को 100 या 50 बनाने से रोका है, आपको पता है, छक्का मार दिया, 6 रन बाकी है। तिलक वर्मा मुझे नाम याद है सर, और दो बार उनका क्या सोच है पता है, उन्होंने बोला कि भाई पिछले जनरेशन में सिर्फ नंबर्स के लिए खेलते थे, अपना ये बनाने के स्लॉट फिक्स हो जाए ना सेंचुरी बनाने के, नंबर 50 बन गया, 100 बन गया, तुम लोग तो ऐसे मत सोचो के लिए खेलो। तो ये हार्दिक पांड्या चाहते हैं, ये अगर ये सोच बड़ा इम्पोर्टेंट बहुत हुए थे उस डजंट मैटर विल यू नो आप अगर क्रिकेट खेल रहे हो टीम के लिए खेलना पड़ेगा। तो आप अगर वर्ल्ड कप नहीं जीत रहे हो, वो भी आप लीग नहीं, आप क्यों नहीं जीत रहे हो वर्ल्ड कप, सही बात, आप जब ही नहीं कर रहे क्योंकि आप अपने अपने परफॉर्म करें, अपनी जगह बनाने के चक्कर में आप मित्र आरी में, जैसे पाकिस्तान की टीम का यही हाल है सर, किसी का दोस्त खेल रहा है, किसी का फैमिली खेल रहा है, किसी दमा खेल रहा है, वो फर्क पड़ता है। पाकिस्तान हम पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं करते, पाकिस्तान ने हमें हराया है चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में, तो आप 2012 से देख लीजिए, श्रीलंका ने हराया हमको, पाकिस्तान ने हराया, इंग्लैंड ने हराया, न्यूजीलैंड ने हराया, उनका जिक्र इसलिए किया सर, आपकी पांच टीमों ने, और खेलता कितना कंट्री है, 10, वेस्ट इंडीज ने हराया 6, तो 10 में 7 इंडिया है, तो हमने हारे नहीं बांग्लादेश से, हम हारे नहीं आयरलैंड से, नहीं टॉप टीम आपको जिम्बाब्वे से नहीं हारे शायद कोई वर्ल्ड कप फाइनल, हाँ नहीं हारे 10 टॉप टीम में बना रहा हूँ, आई मीन आप हारे हैं 6 टीमों से, आईसीसी आईसीसी टूर्नामेंट, श्रीलंका से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, वेस्ट इंडीज से आ रहे हैं, इंग्लैंड से आ रहे हैं, न्यूजीलैंड से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, 6 टीमों से आ रहे हैं, तो आप क्यों नहीं जीत पा रहे, और कारण यही है कि वी आर नॉट थिंकिंग एज अ टीम, वी आर थिंकिंग एज इंडिविजुअल, वी आर थिंकिंग दैट इंडिविजुअल विल मेक अस। रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे 10 ओवर में अच्छे स्टार्ट दे रहे थे, और कहावत क्या कि 10-10 ओवर में मैच जीता के जा रहा है, अब मैच जीता के जा रहा है, तो मैच जीता के जा रहा है तो फाइनल में क्यों जीता है नहीं भैया, मेरा सवाल ये है फाइनल में क्यों नहीं जीता है, विराट कोहली इतना बड़ा प्लेयर है तो उतना स्लो क्यों हो गए फाइनल में, हर बार फाइनल नॉकआउट मैचेस में ही ऐसा होता है, क्यों होता है भैया, कुछ तो गड़बड़ है फंडामेंटली, कुछ तो गलती है आपके सोच में, तो वो गलती सुधारने के लिए आप क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, अब और एक विराट कोहली के आप हंटिंग कर रहे हो, आप हंट करो नेक्स्ट विराट कोहली कौन है, टीम कैसे, आप ऑस्ट्रेलिया को देखिए कितने सारे इस टीम में कितने सारे प्लेयर्स जो रग्बी प्लेयर्स है, सर मुझे एक कॉन्सेप्ट मतलब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में फियर ऑफ फेलियर क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसी चक्कर में भारत तो नहीं फंस जाता सर, बड़े प्रेशर ऑफ कोर्स उसमें तो 5 फंडामेंटल राइट्स, तब तो फंस जाता है, आप लोग क्या कहेंगे लीग में, तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस में आप फाइनल पहुंच जाते हो उसी प्रिंसिपल के बेस पे आप फाइनल नहीं जीत सकते, जैसे सर अभी अंडर 19 की बात ही आप करते हैं, 214 रन से उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया और आके ऑस्ट्रेलिया में 253 रन नहीं बना पाए सर, 253, और ऐसा कुछ नहीं था, हाँ बेसिक विकेट पर ऐसा कुछ नहीं था कि आप उधर जाके एकदम आप आई सरेंडर कर दोगे कि हमारा औकात ही नहीं है, फंडामेंटली वर्क ऑन, और बीसीसीआई समाधान ढूंढने का कोशिश कर रही है कि हमें कैसा जीतना है, कैसे बताओ, हमें मैजिक फॉर्मूला दो, मैजिक फॉर्मूला यही है, यू थिंक एज अ टीम, थिंक एज अ टीम, सर आप
थिंक लाइक एन इंडिविजुअल, वो हम बहुत जल्दी जजमेंट में चले जाते हैं। श्रेया शेयर का होता नहीं है, श्रेया शेयर का अगर शॉर्ट बॉल में प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल सर उसको हो रही है, तो इसके ऊपर आप कैसे करोगे, आप कैसे उसको सुधारोगे? बिल्कुल, क्योंकि आप इंटरनेशनल खेलते हैं सर, स्किल नहीं दे सकते कि आप छोटी बॉल नहीं खेल सकते। एकदम सही फरमाया, इंटरनेशनल क्रिकेट में आपका कोई एक्सक्यूज ही नहीं चलता। तो यहाँ तक आया पहुंचा क्यों, कैसे पहुंचा, ये हमारा सिस्टम में गलती है, तो वो चीज है। तो आई डोंट थिंक वी हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ डूइंग एनीथिंग राइट नाउ, एनीथिंग आई मीन खेलते रहेंगे। हिंदुस्तान में क्रिकेट बहुत बढ़िया है, आई मीन हाउ यू लाइक इट, आई लाइक इट, आई प्ले क्रिकेट, तो इसके मतलब कोई भी वाला हो, हिम्मत वाला, दिल वाला, सारे लोग हिंदुस्तान में हर लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, वो खुद खेलते हैं, रिलेट करते हैं गेम के साथ। बिल्कुल, मगर क्रिकेट ये लोग, ये जनरेशन जो है धोनी वाला जनरेशन, हमने लास्ट जीता था 2013 में, उसके बाद चैंपियनशिप उसके बाद नहीं जीते। और मैं, मेरे को नहीं लगता जिस हार्दिक पांडे का जो सोच है ना, ये सोच आपने देखा, हार्दिक मुंबई इंडियंस से निकाला गया, जिस तरीके से टीम बनाया, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जिस तरीके से एग्जांपल हार्दिक ने किया था गुजरात टाइटंस के पहला साल। हाँ बिल्कुल, इनिशियली क्या हुआ कि वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस में मैच जीत रहे थे, फिर हार्दिक ने चेंज लाया और देखा कि कोई भी आके मैच जिता सकता उसका टीम में, तो वो टीम फिर चैंपियन बनता, वो चैंपियन बना भी, और सर लगातार दूसरी बार गए फाइनल, बड़ी बात है सर। चेन्नई टीम का सबसे बड़ा खासियत ये है कि चेन्नई टीम में कोई भी आगे मैच जीता सकता, हर मैच का अलग नया हीरो बनता है, सच कह रहे हैं। कभी ऋतु राज गायकवाड़ ले जाते हैं, कभी अंजिक्य रहाणे जो सर टेस्ट में वो 33 बॉल में 72 मार जाते हैं, सच कह रहे हैं। आपको धोनी को पूछा गया कि बताइए क्या रेसिपी करता है, क्या आई मीन शेन वॉटसन से अजिंक्य रहाणे तक सब सारे लोग आते, बूढ़े जवान आके परफॉर्म कैसे, बोला देखिए कोका कोला का रेसिपी है, कोका कोला नहीं बताते, हमें अपना रेसिपी नहीं बता, रेसिपी कुछ नहीं है, रेसिपी यही है कि ही मेक्स दिस टीम फील लाइक अ टीम, एक साथ रहना, घूमना, अपने आप को यू नो गिविंग दैट अपॉर्चुनिटी की स्पेस देना, प्रेशर अब दबाव दोगे बाहर से तो अंदर जाके कैसे खेलेगा, बाहर ही आप क्लियर कर, तुम्हें रन बनाना है भैया, नहीं तो ड्रॉप हो जाओगे, अब ऐसे माहौल बनाओगे तो कैसे रन बनाएगा, एक फ्रेंडली माहौल बनाना पड़ेगा। अच्छा तुम नहीं करोगे तो ऑस्ट्रेलियन टीम का सबसे बड़ा 80s, 90s में और अक्रॉस थ्री वर्ल्ड कप 99, 2003, 2007 थ्री वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीती, सबसे खासियत क्या था पता है अश्विन, खासियत ये था दे नेवर, जैसे 4 विकेट गिर गई, एंड्रू साइमंस बैटिंग करने आ रहे हैं हमारे बीच में नहीं है एंड्रू साइमंस, तो एंड्रू साइमंस ने घुसने से पहले बोल दिया लोग तुम नहीं किया मैं कर दूंगा, इट्स नॉट अबाउट आई एम डूइंग इट और यू आर डूइंग इट, इट्स अबाउट वी आर डूइंग इट, तो वी वाला फैक्टर क्रिकेट टीम स्पोर्ट है, अगर यही हमारा सबसे बड़ा लैगिंग पॉइंट है, खामिया है, और खामियाज क्या बोलता है वो वर्ड खामियाजा, खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा खामिया है जी, बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते सर, तो इसलिए हम अभी तक नहीं जीतेंगे, इस बार वर्ल्ड कप भी हम नहीं जीतेंगे, लग ऐसा ही रहा है, क्योंकि आपने जिस टेंशन माहौल में हार्दिक को कप्तान बनाया, रोहित उस टीम में है, रोहित फिर यही दोनों प्लेयर जाके खेलेंगे, तो आप सोच सकते हो कितना एक देखिए टॉक्सिसिटी हो जाएगा, फर्क पड़ता है अंदर से, आप जितना भी अपना पावर यूज कर लो, बड़े लोग आके ज्ञान देगा कि एक साथ रहो, झगड़ा मत करो, ये करो वो करो, बट डजंट मैटर, बड़े प्लेयर हो और जूनियर के साथ बैठेगा क्योंकि नहीं सेट हुए, धोनी के भी समय यही हुआ था, बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट आई थी सर आप तो कवर बहुत साल से कर रहे हैं, ये तो फर्क पड़ता है, नहीं धोनी को कैप्टन द साइड अराउंड दैट टाइम बिकॉज़ देयर वाज सचिन तेंदुलकर, उन्होंने सबको बोला उसके अंडर खेलना है, उन्होंने ये एक डिक्टम चालू किया कि खेलना है उसके अंडर, बट हम एक साथ खेलेंगे, 2011 में क्या हुआ हम जीत के पाए, बिकॉज दो सबने बोला कि मेरे लिए करो, सचिन ने बोला मेरे लिए करो, टीम ने बोला मैं आपके लिए करूंगा, तो एक माहौल बन गया, तो ये माहौल शायद पता नहीं आई मीन ये माहौल कोई मिशन चाहिए, कोई एजेंडा चाहिए, कुछ सोच चाहिए टीम का, एंड कंबाइन चाहिए, सचिन के लिए करेंगे, किसके लिए करेंगे, अब विराट के लिए करेंगे T20 करो, विराट तो अब लंबा खेलेगा, अब
देखिए आप टेस्ट मैच नहीं खेल रहे, विराट 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 कर रहे हैं लोग, विराट नहीं है ठीक है मान लिया नहीं है, मगर बाकी प्लेयर तो उनको खिलाओ, उनको मौका तो उनको बनाओ, हाँ उनको बनाओ और उनको आप बताओ कि आप भी कर सकते हो ऑफ कोर्स, और जैसे इंग्लैंड करता है ऑस्ट्रेलिया करता है, इंडिविजुअल के बेस में आप मैच जीत सकते हो, टूर्नामेंट नहीं, इंडिविजुअल के बेस में आप सेशन जीत सकते हो टेस्ट क्रिकेट में, टेस्ट मैच टेस्ट सीरीज, यही बोलना चाहूंगा, और यही है सोच की सोच सर। रचिन रविंद्र लड़का कितने मैच खेले, देखिए आके डबल सेंचुरी लगा रहा है और ऐसा नहीं है, और वो कप्तान कप्तान देखिए उनका, छह मैच में लगातार छह सेंचुरी, हाँ और 30 सेंचुरी हो गए, 30 प्लस हो गए सर, कितना अंडररेटेड है, बस सीखना चाहिए सर टीम इंडिया को, और मैनेजमेंट क्या कर रहा है, इतनी आप ही कर रहे थे पहले, इतना स्टाफ नहीं होता, आप तो हर बाल को आप कैसे खेलेंगे क्या होगा, इतना बड़े आपके पास टेक्निकल चीजें हैं, 15-20 सपोर्ट स्टाफ लेके घूम रहे हो और काम जिस पे करना चाहिए उस पे, और इतना डेटा एनालिस्ट ये वो सब कुछ मगर आप स्टिल यू आर नॉट प्लेइंग एज अ टीम, देखेगा ना टीम हारेगी तो देखेगा ना, एज अ टीम दे लॉस्ट, एज अ टीम दे वन, वो सोच जब तक नहीं ला पाओगे तब आप कहीं नहीं जा पाओगे, ये आपको बताना चाहता हूँ, इंडियन टीम एकजुट होकर खेलेंगे तो आगे जा पाएंगे, नहीं तो हम थर्ड ही रह जाएंगे, पहले सेकंड तब थर्ड हो गया, फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया सेकंड इंग्लैंड और थर्ड है इंडिया प्रॉब्लम, और वेस्ट इंडीज भी आ रहा है बन रहा है, शायद वेस्ट इंडीज भी हम कॉम्पिटिशन देने वाले, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर है टॉप मिडिल ऑर्डर में सर, पूरन से लेके कमाल के बंदे हैं सर, जो आईपीएल में देखे होंगे 12 बॉल पे 50 रन 13 बॉल पे, और सर एडमायर तक नीचे तक आते मारते हैं, यही हमारा पूरा इंडियन क्रिकेट इज गोइंग टुवर्ड्स आईपीएल सेंचुरी, एज ए टीम बना नहीं पा रहे, बन नहीं पा रहे, बन भी नहीं दिख भी नहीं रहा सर, आने वाले कुछ सालों तक नहीं दिख रहा सर, अब हार्दिक को बनाया था आपने कप्तान, अब रोहित को कप्तान बनाने की क्या जरूरत थी, विराट और रोहित को ले आना, क्या हार्दिक में वो क्षमता थी, रिंकू में भी वो क्षमता थी, रिंकू नहीं खेल पाएंगे तो चांसेस ज्यादा रहते सर, आपको बताया था मैंने विराट खेलेगा तो रिंकू नहीं खेल पाएंगे, बिल्कुल वो आपने बताया था, हाँ आपने सेशन में बात की थी, लेकिन मैं कह रहा हूँ सर अगर रोहित ना खेलते विराट ना खेलते आपके पास इतने काबिल प्लेयर हैं जो वर्ल्ड कप में इस टीम से ज्यादा, 2007 में क्या हुआ, 2007 में हम वर्ल्ड कप हार के आए थे और सौरभ सचिन को खिला थे, हम 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीत पाते, कभी नहीं जीत पाते सर, आपके सामने ही सोल्यूशन है, आपके सामने सब कुछ है, आप सोचने का आपको कदम उठाना पड़ेगा, बड़ा प्लेयर नाम से कौन सा बड़ा प्लेयर था 2007 में बताइए, कोई नहीं था सर, सब मैं आरबीसी का इंटरव्यू पढ़ रहा था, वो 12th में थे, गौतम गंभीर थे, वीरेंद्र सहवाग, वही चीज है कि आप व्हेन यू प्ले एज अ टीम वी विन, यू डोंट प्ले एज अ टीम वी लूज, एंड ऑल दिस व्हाइल हम जीत नहीं पा रहे बिकॉज डोंट प्ले एज अ टीम, तो आज लाइव सेशन बंद करेंगे, कुछ और चर्चा नहीं, बस यही चर्चा है कि टीम पर फोकस कीजिए, इंडिविजुअल पे फोकस ना कीजिए, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आप इंडिया, थैंक यू थैंक यू।